सभी प्रेस के साथियों, सबसे पहले मैं मेरी तरफ से और कांग्रेस पार्टी की तरफ से आप सबको हाल ही में दिवाली जी के दो दिन पहले दिवाली की शुभकामनाएं, धनतेरस की शुभकामनाएं, आज भाई दूज है उसकी शुभकामनाएं अर्पित करना चाहता हूं। और उसके साथ आपके माध्यम से पूरे शहर वासियों को, मेवाड़ वासियों को, भागड़ वासियों को इस त्यौहार की शुभकामनाएं। ये त्यौहार दीपों का त्यौहार, खुशियों का त्यौहार, हमारे सबके घरों में खुशियां लाए, हमारे सभी नई जो पोत पैदा हो रही है, बड़ी हो रही है, उन सब के अच्छे संस्कार समाहित करें और अच्छे हमारे नागरिक बने। उसके साथ ही आज आप सब से निवेदन करने का मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि अभी आने वाली 1 तारीख को, 1 नवंबर को हमारे देश के प्रधानमंत्री मानगढ़ धाम पे आ रहे हैं। यद्यपि उनका उद्देश्य राजनीतिक है, परंतु फिर भी हम देश के प्रधानमंत्री के नाते उनसे आग्रह करना चाहते हैं, मांग करना चाहते हैं कि जलियांवाला बाग से बड़ा कांड मानगढ़ धाम पे हुआ था, जहां 1500 से ज्यादा आदिवासियों को अंग्रेजों की गोलियों से खून दिए गए थे। ऐसे स्थिति में हम सभी मांग करते हैं, मेवाड़वासी और भागड़वासी, कि राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश का माना हुआ ये धाम है, इसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए। राजस्थान की सरकार ने, अशोक गहलोत जी की सरकार ने पिछले टेन्योर में और अभी काफी कुछ वहाँ विकास का काम किया है। फिर भी हमारी सबकी आस्था ये है, क्योंकि गणेश्वर और मानगढ़ धाम दोनों ही आदिवासियों के पवित्र स्थान माने जाते हैं, यहाँ पर राष्ट्रीय स्मारक घोषित करें, ताकि इन तीनों राज्यों के आदिवासियों की आस्था है वो प्रबल भी होगी और हमारे शहीद जो हुए थे देश की आज़ादी के लिए, देश की एकता के लिए, समृद्धि के लिए, उन लोगों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि भी मैं मानूंगा। इसलिए आपके माध्यम से हमारी पुरजोर मांग है कि मानगढ़ धाम को 1 तारीख को नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री, मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करके जावे। जैसा देश का वातावरण है, जिस तरह से हमारे लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है, हमारी जो संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनको किसी तरह से बाध्य किया जा रहा है कि वो स्वतंत्र रूप से काम नहीं करने दिए जा रहा है उनको, और उनका मिसयूज किया जा रहा है, दुरुपयोग किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए, लोकतंत्र को मजबूत रखने के लिए ये नितांत आवश्यक है कि हमारी संवैधानिक संस्थाएं जो है उन स्वतंत्र रूप से उनको काम करने दिया जाए, चाहे हमारा चुनाव आयोग हो, चाहे हमारी ईडी हो, चाहे हमारी सीबीआई हो, चाहे अन्य संस्थाएं जो हैं, हमारी जुडिशरी को भी स्वतंत्र रूप से काम करने दिया जाए, ताकि लोगों की जो आस्था है वो आस्था भी बनी रहे और लोकतंत्र को जिंदा रखने में हम कामयाब रहें। कांग्रेस पार्टी हमेशा इन संस्थाओं को मजबूत करती रही है, स्वतंत्र रूप से इनको काम करने
देती रही है, कभी भी किसी तरह से कोई इंटरवीन करके इनका दुरुपयोग नहीं किया, परंतु पिछले कुछ सालों से ऐसा देखने का को आया है और देश के नागरिक ये महसूस करते हैं कि निश्चित तौर पे इन संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है और देश में जिस तरह से बेरोजगारी, महंगाई बढ़ती जा रही है उस पर सरकार कम ध्यान देके और दूसरी बातों पे जिनसे देश का कोई विशेष भला हो जाए ऐसा कुछ लगता नहीं है। इसलिए हम सब मुख्य रूप से ये मांग करना चाहते हैं कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए इन संस्थाओं को काम करने दिया जाए। इस तरह से दुष्प्रचार किया जाता है कि गांधी परिवार अपने अलावा किसी को अध्यक्ष बनने नहीं देता है या सत्ता सौंपता नहीं है। गांधी परिवार ने हमेशा संगठन की बात हो चाहे सत्ता की बात हो हमेशा दूसरे लोगों को मौका पहले दिया। आप सब जान रहे हो जैसी 2009 में परिस्थितियां बनी थी, सोनिया गांधी जी चाहती वो देश का प्रधानमंत्री बन सकती थी, राहुल गांधी भी चाहते तो उस समय बाद वो भी बन सकते थे, परंतु इन लोगों ने हमेशा हमारे मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बना के ये संदेश दिया कि देश के जो भी विद्वान लोग हैं चाहे किसी भी धर्म के हो, किसी भी समाज के हो, वो इसका प्रतिनिधित्व करें, वो करके दिखाए। इसी तरह से अभी हाल ही 17 तारीख को जो चुनाव हुए हैं कांग्रेस पार्टी के, मतदान हुआ है, उसमें स्वतंत्र रूप से लोकतांत्रिक तरीके से फार्म भर के प्रचार प्रसार हुआ, मतदान हुआ और गिनती हुई, उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो दलित समाज से संबंध रखते हैं, साधारण एक परिवार से आए हैं, एक मजदूर के बेटे थे जो जमीन से उठ के वहाँ तक आए हैं, वो जीते और कल उनका पदभार ग्रहण हुआ और गांधी परिवार ने बेकायदा उनको सम्मानपूर्वक तरीके से ये अवसर प्रदान किया। स्वयं पूरा परिवार निष्पक्ष रहा, शशि थरूर जी और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने अपने अपने तरीके से प्रचार करके ये चुनाव कराया। तो कांग्रेस पार्टी ने इस देश के सामने ये सबूत पेश किया कि लोकतंत्र कांग्रेस पार्टी में है, दूसरी कोई भी पार्टी ये इस तरह का लोकतांत्रिक व्यवस्था करके देश के लोगों को बतावे। और जहां भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं वो हमेशा सबसे ज़्यादा वो चिल्लाते हैं, परंतु उनका अध्यक्ष कब बना, कब हटा, कौन बढ़ेगा, कौन बना, ये किसी को पता नहीं चलता है और सिर्फ वन मैन शो चलता है वहाँ। आजकल तो दो आदमियों का शासन है, तो इसलिए कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र तांत्रिक संगठन है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस जैसे महान व्यक्ति रहे, महात्मा गांधी जैसे रहे, सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे, चाहे हमारे कई ऐसे नेता रहे हैं जिन्होंने इस देश का नाम आगे बढ़ाया है और देश का नाम गौरवान्वित किया है, उस संस्था को हम सभी मानते हैं और लोकतांत्रिक संस्था है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं और जमीन से उठ के आए हैं, तो निश्चित तौर पर उसका लाभ संगठन को भी मिलेगा। दुनिया के अर्थशास्त्रियों में उनका गिने गिने अर्थशास्त्रियों में नाम है, उस आदमी को भी नकार दिया तो फिर तो कहने में कुछ भी कह दे। बिल्कुल फ्री है, अब आप स्वतंत्र रूप से काम करिए। अब निश्चित सोनिया जी के प्रति रहेगी या खड़गे जी के प्रति रहेगी, क्योंकि गहलोत साहब ने कहा कि हमारी नेता सोनिया गांधी पहले भी थी आगे भी रहेगी। देखो
इस परिवार का इस देश के लिए बलिदानी दी है, इन्होंने समर्पण किया है, तो उसके प्रति आदर, चाहे कांग्रेस के लोग हों चाहे इस देश के आम नागरिक हैं, उनका सम्मान उनका आदर रहता ही है। एक कमिटी अभी बनी है, उसमें कितने युवा हैं यदि मैंने गिना नहीं है, पर कम से कम 50% तो होने चाहिए। लिस्ट में तो दिख नहीं रहे हैं, सारे 50 के ऊपर ही। 50 के ऊपर को क्या मानते हो आप? 60 वाले को क्या, 52 वाले को क्या मान जाओगे आप? आपने तय किया था ना कि 50 से कम के लोगों को जिम्मेदारी दी जाएगी। वो देखो, युवा का मतलब आप 60 साल वाले को क्या बुजुर्ग मान लोगे क्या? युवा नहीं मानोगे क्या? 51 साल वाले को युवा नहीं मानोगे? बिल्कुल उसको लाइन पकड़ के खींच के बैठ जाएंगे, थोड़ी चलेगा। आप अच्छी नहीं रही है, 2023 विधानसभा है, लोकसभा है, उसके लिए आप क्या रणनीति? देखो, कांग्रेस पार्टी ही ऐसी पार्टी है जिसने हमारे जैसे जो जमीन से उठे हुए कार्यकर्ता, ग्राम पंचायत के सरपंच के से राजनीति हमने शुरू की और वहाँ देश की सर्वोच्च कमेटी में जोड़ा है, ये तीसरी बार है मुझे। तो निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी गांव के लोगों को हो, चाहे गरीब तबके के लोगों को हो, चाहे सर्व समाज के लोगों को अवसर देती है। भारतीय जनता पार्टी में आप ऐसा कभी भी नहीं देखेंगे कि कोई आदिवासी इस तरह से ऐसे सर्वोच्च पद पे हो। डूंगरपुर तक के लिए भाया बांसवाड़ा, वो अभी तक पूरी नहीं हुई जबकि कांग्रेस का यहाँ पे शासन चल रहा है। देखो, राज्य सरकार ने अपने हिस्से का 1200 करोड़ रुपया जो था वो जमा करा दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो हिस्सा है वो नहीं हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से डिलाई हो रही है, उस वजह से नहीं हो, नीति के कारण नहीं हो रही है। बाकी लाइन तैयार हो गई, सब कुछ हो गया, वो राजनीति के कारण नहीं कर रहे हैं, वो समय देख रहे हैं कब करें ताकि उसका मार्जिन मिले, उसका श्रेय उनको मिल सके।